आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? एन एलिमेंट व्हिच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू। यहाँ पर मुझे पूछा है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मेरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है इसमें मेरे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मेरा मेनली क्या क्या होता है? मेरा कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेनली यही दोनों होते हैं। लेकिन इसके साथ मेरा क्या प्रेजेंट होता है? इनको छोड़ के मेरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मेरा भी जो हैलोजन होता है उनका सब्स्टिट्यूट होता है। लेकिन मेरा जो मेन होता है, मेन क्या होता है? मेरा कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा कार्बन ज्यादा प्रायोरिटी होगा, क्योंकि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। इसलिए ये क्या करता है, एक कार्बन के साथ जो मेरा एक कार्बन और एक कार्बन, ये और एक कार्बन, ये और एक कार्बन, इससे करके इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। एक कार्बन और एक कार्बन के साथ लिंक होता है और ये कार्बन और एक कार्बन के साथ लिंक होता है, ऐसे लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो मेरा मेनली क्या हो जाएगा, मेरा कार्बन हो जाएगा। और मेरा कार्बन कौन से ग्रुप में होता है? मेरा कार्बन होता है ग्रुप 14। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है ग्रुप 14, ये हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मेरा कार्बन क्या होता है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।